और पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय जमीन अधिग्रहण मामले में मुआवजे के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कलेक्टर कुलपति की गाड़ी सहित चार वाहन कुर्क कर लिए गए हैं। 6,63,53,875 रुपए का मुआवजा दिया जाना था, उसके बाद भुगतान में देरी से 15 करोड़ के ऊपर पहुंचा मुआवजा। मुआवजे पर हर साल 15% ब्याज देना होगा। साल 2007 में जमीन का अधिग्रहण हुआ था। भुगतान बढ़ाने को लेकर 31 लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पूरे मामले में कलेक्टर कुलपति की गाड़ी के अलावा चार वाहन कुर्क हो गए हैं। 6,63,53,875 रुपए मुआवजा देना था, इसके बाद भुगतान में देरी से 15 करोड़ के ऊपर मुआवजा पहुंचा है। रायपुर चलेंगे, सत्या राजपूत से बात करेंगे। सत्या, क्या कुछ आदेश कोर्ट ने दिया है कुर्की के मामले में? देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राजकीय विश्वविद्यालय के जो कुलपति की है उसके गाड़ी और विश्वविद्यालय प्रबंधन के अन्य अधिकारियों की जो गाड़ी है उसकी कुर्की की गई हुई। पूरा मामला जमीन अधिग्रहण का है और उसको लेकर लोग कोर्ट गए हुए थे। क्या कुछ मामला है जो है, विश्वविद्यालय के पीआरओ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझते हैं। सर, ये कुर्की की गई है और ये चौंकाने वाली बात है कि राज्य की यूनिवर्सिटी है और राज्य सरकार के अधिकारी जो है कार्रवाई किए हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, मामला भू अर्जन का है और मुआवजा, बढ़े हुए मुआवजा राशि के भुगतान का है। 2005-06 में ये मामला शुरू हुआ था और उसमें 2007 में भू अर्जन अधिकारी द्वारा भूमि अधिकृत किया गया और जो भी मुआवजा राशि जो एग्जिस्टिंग था उसका भुगतान किया गया विधिवत। लेकिन कुछ असंतुष्ट, जिनको संतोष नहीं हुआ, जो भूस्वामी थे, वो लोग प्रकरण को लेकर के न्यायालय गए और न्यायालय ने 2017 में ये निर्णय दिया कि वो बढ़ा हुआ मुआवजा भुगतान किया जाए और अगर उसके बाद जितना डिले होगा उसमें 15% ब्याज की दर से भुगतान किया जाए। अच्छा, ये अधिग्रहण कौन किया था? क्या विश्वविद्यालय ने किया था या प्रशासन ने किया था? देखिए, भू अधिग्रहण विश्वविद्यालय कर ही नहीं सकता, ये करना भू राजस्व अधिकारी का काम होता है और ये माननीय जिलाधीश महोदय के अंतर्गत ये आता है। तो प्रकरण अर्जन उन्होंने किया करके वो विश्वविद्यालय को उन्होंने हस्तांतरित किया। जाहिर सी बात है, मामला कोर्ट गया था और कोर्ट ने आदेश दिया जिसके बाद कुर्की की कार्रवाई की गई है। आप लोग क्या आगे कदम उठा रहे हैं? अधिकारियों से किस तरह से पत्राचार हुआ है आप लोगों का? देखिए, हर स्तर पे विश्वविद्यालय अपने पत्राचार कर रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव स्तर से लेकर के जिलाधीश महोदय से लेकर के और जितने भी मतलब उच्च शिक्षा के सचिव और आयुक्त महोदय, सबसे पत्राचार किया जा रहा है। जानकारी दी जा रही है कि जैसे जैसा प्रकरण आगे बढ़ रहा है हम अवगत करा रहे हैं और अवगत कराने तक हम सीमित हैं क्योंकि जैसा हमें निर्देश प्राप्त होता है हम उसके हिसाब से कार्रवाई आगे करते चले जा रहे हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि लगभग 6 करोड़ का मुआवजा राशि का प्रावधान था, 15 करोड़ पहुँच गया, इस बीच में विश्वविद्यालय चुप क्यों था? चुप नहीं था तो क्या क्या कदम उठाए? नहीं, विश्वविद्यालय, देखिए, विश्वविद्यालय चुप तो नहीं था। विश्वविद्यालय इतना बड़ा राशि था तो उस समय से विश्वविद्यालय ने पहल किया। जैसे 17 में हुआ तो हम 18 के पहले ही हम उच्च अधिकारियों के पास गए, उनके तरफ से आया कि मुआवजा एक बार ही दी जाती है, मुआवजा फिर से बढ़े देने का प्रावधान नहीं है, ऐसा हमारे कुलपति महोदय के पास जानकारी आई। तो उसको लेकर के फिर हम उच्च न्यायालय गए, लेकिन इस बीच में शायद जो भी कारण था, तकनीकी आधार पे उच्च न्यायालय में हमारा आवेदन स्टैंड नहीं कर पाया। फिर महाधिवक्ता से हमने ओपिनियन लिया और उसको लेने के बाद में विश्वविद्यालय ने ओपिनियन लिया, लेकिन राज्य शासन उसको लेकर के उच्च सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्या राजपूत, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।